Ei, um caralho. बड़े सालों बाद मिले अभी। 84 टोटल वोट्स, वैलिड वोट्स 84, मिस्टर राजीव गोयल वोट्स पोल्ड 24, मिस्टर राम चौधरी वोट्स पोल्ड 60, मिस्टर राम चौधरी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड इन कोलेजियम नंबर 13, कोलेजियम नंबर 21, टोटल वोट्स पोल्ड 92, नंबर ऑफ वोट्स वैलिड 92, मिस्टर विपिन कुमार वोट्स पोल्ड 42, मिस्टर विष्णु भगवान मित्तल वोट्स पोल्ड 50, मिस्टर विष्णु भगवान मित्तल इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड इन वार्ड नंबर 21। सारी स्थिति को देखते हुए और शहर ने हमारा जो है हमारे कैंडिडेट्स का समर्थन किया है और 19 कैंडिडेट्स को अनपोज जो है हमें जिताकर भेजा है और इसके अलावा आज 13 नंबर वार्ड में श्री राम चौधरी एडवोकेट 36 वोट से विजयी घोषित हुए हैं। इसके अलावा जो 21 नंबर वार्ड में चुनाव हुआ है उसमें भी हम जो है क्लोज मार्जिन से 8 वोट से हारे हैं और मैं शहर के सभी वोटर्स का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें जो है फुल मेजॉरिटी के साथ मोर देन 95% जो है 95% मेजॉरिटी हमारे साथ है और मैं सभी शहरवासियों का धन्यवाद करता हूं। आने वाले टाइम में जो है हमारी गवर्निंग बॉडी की जो प्लानिंग है इसको आरकेएसजी कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ ले जाना है और आरकेएसजी कॉलेज के नाम से डीम्ड यूनिवर्सिटी हम जो है बनाना चाहेंगे ताकि जो है आसपास के सभी बच्चों को जो है यहाँ शिक्षा लेके लाभ ले सकें। प्रबंधक समिति बनाने की हमारे 4 ऑफिस बीरर हैं, 4 की ही हमारी गवर्निंग बॉडी है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरार। ये 21 कॉलेजियम मेंबर्स जो है उसका चुनाव करेंगे इन 4 का। उसके लिए जो है DR से परमिशन लेके हम जो है उसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे। वोटरों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमको वोट देके जिताया, मैं उनका बार बार धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जी सर, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप जीतने के बाद? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ जीतने के बाद। कार्य करके फर्स्ट टाइम जीतता हूँ, देखो कार्य करके जब भी पता लगेगा कुछ कार्य करूँगा, तो इससे पहले कभी मौका ही नहीं मिला कार्य करने का, तो इसलिए मुझे नॉलेज नहीं है इतनी। ये कैथल की जनता ने, इस कॉलेज के वोटर्स ने इनके बुजुर्गों का सम्मान इनको वापस दिलाया, बस दैट इज द विक्ट्री ऑफ द वोटर्स, नॉट विष्णु भगवान, दैट इज द विक्ट्री ऑफ वोटर्स। सहयोगी है ARO श्री रमेश सरदाना जी और श्री दिनेश भारद्वाज जी और जो ऑब्जर्वर्स हैं और सबसे ज्यादा सभी कैंडिडेट्स का जिन्होंने इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया और पूरी मर्यादा को रखते हुए और इस संस्था का मान बढ़ाते हुए बहुत अच्छे तरीके से इस ये जो कार्यकलाप था इसको पूर्ण करने में हमें सहयोग दिया। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी विनिंग कैंडिडेट्स को और ये आशा और उम्मीद रखता हूं कि ये जो संस्था है ये दिन दुगनी और 4 चौगुनी जो है तरक्की करे। प्रेस वाले ने कहा तो अगला विधायक भी होंगे तो बहुत बढ़िया जी, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल बाय कॉलेजियम नंबर 4 ये सही था। थैंक यू।
सर इधर बधाई हो।